आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ खान सर हैं और आप देख रहे हैं लगातार दिया जा रहा है और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जा रही है कि 3 माह के अंदर 1,90,000 के आसपास बिहार सरकार के द्वारा भर्ती निकाली जाएगी और उसमें बीएसएससी सीजीएल भी है यानी सचिवालय सहायक, बीएसएससी इंटर लेवल, दरोगा की भी बताया जा रहा है, बिहार पुलिस भी बताया जा रहा है और अन्य सारा वैकेंसी है स्वास्थ्य वगैरह को लेकर। कैसे तैयारी करेंगे, कब तक क्या होगा? खान सर से जनक सर का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सर। जैसे बीएसएससी सीजीएल लेवल जो है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको मिनी आईएएस करते हैं, कहते हैं, वेट कर रहे हैं सर, ये बहुत साल बाद आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी वैकेंसी क्या होती है कि एक तरह से चुनावी साल में बच्चों को पहले से माइंड मेकअप करके रख लेना चाहिए कि ये अब इस साल वैकेंसी आएगी। और बच्चों को तैयारी में क्या है ना, एक सबसे बड़ा समस्या हम आपको बताते हैं कि अगर उसे कहिएगा कि 3 महीना तैयारी में बचा है तो 1 महीना इसी में लगा देगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं। अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट करना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उसको उस टॉपिक को रिलेटेड, जैसे मैथ ही पढ़ रहे हैं सपोज, तो मैथ का उस चैप्टर को बनाने के बाद उसको प्रीवियस ईयर से मैच करना चाहिए कि उसका एग्जाम के हिसाब से स्टैंडर्ड है कि नहीं। बहुत ज्यादा टाइम टेबल और बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों पर नहीं रहना चाहिए। जो समय मिले तुरंत का तुरंत उसको पढ़ाई पे लगाना चाहिए। वैकेंसी चाहे ज्यादा आए या कम आए, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ा था, वरना लाख क्या करोड़ वैकेंसी आने पे, इतनी बड़ी वैकेंसी टीचर्स की थी, हमारे पास से हजारों सेलेक्ट हुए और हजारों नहीं भी सेलेक्ट हुए। रीजन क्या था, जिन्होंने ज्यादा इधर उधर प्लानिंग नहीं किया, पढ़ाई कंटिन्यूअस, बस कंटिन्यूअस पढ़ने पे ध्यान देना है। सर 3500 के आसपास हो सकता है जिस तरीका से देखा जा रहा है, इसमें कंप्यूटर वगैरह का डिग्री भी मांगा जाता है, एडीसीए डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर इसका लेवल की बात कीजिए तो मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। 75% सर जीएस का वेटेज होता है, साइंस और जीएस मिला ले, अब 75% मैथ रीजनिंग कर रहा था तैयारी के लिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर हो जाता है ना कि 75% जीएस है तो हम जीएस पे फोकस कर दें, और वो 25-30% आपका जो मैथ रीजनिंग है उस पर कम ध्यान दे। अगर हमको मतलब एक होता है ना कि अपना डिंग हाँकना है, अपनी तारीफ करनी है, तो अरे जीएस मतलब ही है, तो जीएस एक ऐसा चीज है कमोबेश सबको आता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। मैथ रीजनिंग में स्कोरिंग हो जाता है, ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, किसी भी एग्जाम में, खास करके वन डे एग्जाम की अगर बात करें, तो पास होने का और फेल होने का केवल 15 क्वेश्चन का अंतर होता है, मात्र 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन का। ऐसा थोड़ी होगा कि किसी एग्जाम में सपोज कीजिए कि 100 में 60 नंबर कट ऑफ गया, तो ऐसा थोड़ी है कोई विद्यार्थी 2 नंबर पाया होगा। अरे 60 कट ऑफ गया है तो कोई 45 पे अटका होगा, कोई 52 पे, कोई 55 पे। तो बच्चों को जितना जल्दी ये समझ में आ जाए कि पढ़ाई है अपने आप को इम्प्रूव करने का, वो 15-20 क्वेश्चन कैसे हम आगे बढ़ा ले, ये जरूरी है। इसके लिए है कि मैथ और रीजनिंग, जीएस में क्या होगा ना, ऑन एन एवरेज सबका ठीक ठाक आएगा। यहाँ पे वो बहसबाजी के लिए हम बोल दें वो अलग बात है, कहने जीएस ही सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रीजनिंग मैथ पे प्रॉपर ध्यान देना है। जीएस चूंकि बड़ा है तो उस पर वेटेज ज्यादा है, तो उसे ज्यादा समय दे देना है। इसका मतलब ये नहीं कि जीएस के भरोसे बैठ जाना है। और रही बात कंप्यूटर के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग फर्जी पकड़े जा रहे हैं, बहुत से हमारे पिछले सचिवालय वगैरह में पिछली वैकेंसी जो आई थी वहां पे, उसमें हमारे कितने विद्यार्थी थे जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बस वो जहां से कंप्यूटर सर्टिफिकेट, वो जेन्युइन पढ़े थे वहां पे, और वहां से वो सर्टिफिकेट फर्जी निकला संस्था, तो इस वजह से लास्ट में जब डूबता है ना बड़ा तकलीफ होता है। तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं, संस्था के बगल में ही सावित्री कंप्यूटर है, तो सावित्री कंप्यूटर में क्या है कि ऑथेंटिक है और इतनी वैकेंसी आई, अब तो जांच होता है ना संस्था के पास, वापस रिकॉल के लिए भेजा जाता है, क्या ये विद्यार्थी पढ़ा था कि नहीं, उसका पूरा रिकॉर्ड दीजिए, वेबसाइट पे चेक कीजिए। तो वो है कि सावित्री कंप्यूटर में निश्चिंत रहता है इंसान, के बच्चों को भेज दिए तो उसके साथ ये धोखाधड़ी वाला नहीं हो सकता है। बाकी जो अपने गाँव जगह जगह पे है अपने हिसाब से देख ले, बाकी पटना के लिए सबसे बेस्ट हो। साइंस के लिए सर, साइंस 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, साइंस में एक खराबी क्या है ना कि जो बच्चों को साइंस कमजोर होता है ना, वो मान के बैठ गया कि मेरा साइंस कमजोर, मान लेता है, वो मान लेता है पहले ही। अब जब आप पहले ही मान ले, जैसे हम लोग के सामने अगर शेर आ जाए तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता था कि हम लोग डरा दे उसे, कुछ कर सकते थे, 1-2 हाथ तो लगा ही सकते थे, लेकिन डर ही जाते हैं। तो साइंस के साथ यही होता है, खास करके जो सरकारी स्कूल से जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनका साइंस कमजोर होता है, तो बैठ मान लेते हैं हमारा मैथ कमजोर है, हमारा साइंस कमजोर है। अरे कौन सा मम्मी के पेट से पैदा होकर सीखा था साइंस, न्यूटन भी यहीं आके सीखा, वो भी सीख जाएगा। जो कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दे। उसमें क्या करना चाहिए कि अपने दोस्तों के सर्किल में जिनका साइंस अच्छा है उनसे कुछ कुछ सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि टीचर का अपना एक लेवल है, वो कितना नीचे लेवल जाके पढ़ा पाएगा। अब किसी विद्यार्थी को A+B का होल स्क्वायर नहीं पता है, अब वो आएगा सचिवालय की तैयारी में, तो क्या मैथ का टीचर उसको उतना लेवल ले जाके तो नहीं ना कराएगा। तो कुछ उसे घर पे अपलिफ्टिंग की जरूरत होती है, दूसरों से सहयोग लेना, उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देना।
और अगर एकदम डेल है तो उसको फिक्स करना चाहिए कि हमारा ये वाला चैप्टर को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, और कुछ चैप्टर हैं जिसपे मजबूत कमांड बनाया जा सकता है तो उस पर कर लेना चाहिए, करना तो सब पे चाहिए। लेकिन अगर जहां कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसमें 25 क्वेश्चन में से डिसाइड करो कि हमारा ये 15 से 18 ये चैप्टर से आ रहा है इसको हम निकाल लेते हैं, वो बहुत टफ है। अब केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम दे देगा, यहाँ पे सॉल्व ही नहीं होगा, बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी सॉल्व होने के बाद डर रहता है कि सही है कि नहीं है उसमें समय। अब तेज विद्यार्थी है तो दे दीजिए समय, एकदम डल है तो उसमें मत समय दीजिए। सर मैथ्स रीजनिंग में 75 में 75 विद्यार्थी उठा लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ये होता है रीजनिंग आसान भी पूछा जाता है, मैथ्स में एडवांस भी नहीं पूछा जाता है, जो विद्यार्थी एडवांस से डरते हैं इन लोगों के लिए क्या? देखिए मैथ के आता नहीं है, मैथ के लिए क्या है कि इसमें अगेन वही कहेंगे जिसका कमजोर है वो भी पहले से मान के बैठा है मैथ कमजोर रहता है, तो उसको ना हम मैथ हम लोग तो बाकी मैथ के टीचर बाकी बेहतर ढंग से उसे बताएंगे इस चीज को, लेकिन हम मैथ के विद्यार्थियों को एक सलाह यही देते हैं कि जो चैप्टर वो पढ़ लिया है वो हर चैप्टर से वो पांच अपने मन से क्वेश्चन को बनाए और हर क्वेश्चन में वो पांच गो कंसेप्ट घुसा के अपने से क्वेश्चन ड्रॉ करे, ताकि वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करे ना तो पांच गो कंसेप्ट सॉल्व हो जाए, फिर दूसरा करे तो पांच गो सॉल्व हो जाए। तो हर चैप्टर से उसे पांच ऐसे क्वेश्चन अपने से ड्रॉ करना है जिसमें उसके उस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट आ जाए, और उसे सोने से पहले बार बार रिविजन करे जो कमजोर विद्यार्थी, क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों को अक्सर देखे ना कि सॉल्व तो कर लेते हैं रिविजन करने से उनका मन भागता है, तो धीरे धीरे मैथ उनसे दूर होते जाता है। बाकी मैथ वाले टीचर इसको ज्यादा बेटर समझाएंगे ना, तो मैथ वाले लोग कहेंगे देखिए बताएंगे हकीकत में मैथ वाले टीचर को ज्यादा बेटर आइडिया होता है। विद्यार्थी बहुत समस्या तब होता है जब पूरा तैयारी कर लेते हैं, कोई विद्यार्थी से सलाह लेते हैं हम तो एनसीईआरटी पढ़ लिए, तो हम तो फलना बुक पढ़ लिए, हम तो इस राइटर का बुक पढ़ लिए, उस समय बहुत दिक्कत होता है, कंफ्यूजन में चले जाते हैं। आप क्या सजेस्ट? देखिए ऐसा सब कमोबेश एक ही टाइप का रहता है आज के कंपटीशन के जमाने में, एनसीईआरटी उल्लंघन प्रोसेस हो जाता है थोड़ा सा। किसी भी बुक को पढ़िए, कंसिस्टेंसी उस पे दम रख के रखिए। जैसे अगर हम 10-10 फीट 10 जगह खोद दे तो पानी नहीं निकलेगा, एक ही जगह 50 फीट खोदना पड़ेगा, तो किसी एक बुक को ले कमांड करे, अपना नोट्स बनाए या कोई एक बुक ले उसी बुक पे पूरा कमांड रखे। बुक चेंज करने से बहुत ज्यादा का चेंजिंग नहीं आएगी, लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे चेंज करके, एक अच्छा बुक का सिलेक्शन करें और उसी को 10 बार पढ़ें। सर एक समस्या हो रहा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में, पिछला साल जो भर्ती दिया गया था 10+2 में, अभी तक 9 मतलब 6-7-8 मंथ हो गया, केवल आवेदन पर ही प्रक्रिया हो रहा है, कोई अभी तक विद्यार्थी का ना एग्जाम डेट आया ना कुछ आया, इस पर सर क्या होगा? बीपीएससी कैलेंडर देती है लेकिन अभी वो आयोग अब क्या कहिएगा इस पीछे, तो सारे लोग त्रस्त है, हम लोग खुद इससे परेशान रहते हैं, हम लोग के पास भी बच्चे आते हैं ज्यादा दिन रह जाते हैं तो हम लोग को भी बड़ा अफसोस लगता है कि बेचारे इतना दिन से पटना में है यहाँ कर रहा है, तो हम लोग की भी अभी मजबूरी है, आयोग को इस पे सुधार करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन आयोग के सामने नए नए चैलेंज आ जाते हैं, और एक खराबी भी क्या है ना, जैसे पेपर लीक की समस्या है, तो कुछ ना कुछ तो विद्यार्थियों के बीच में ही ऐसे बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे हैं, आखिर वो क्यों निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये समस्या है यहाँ पे, जिस वजह से आयोग को भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बरतना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं इतनी किरकिरी के बाद आयोग पे तो दबाव तो रहता ही है। किरकिरी के बाद विधानसभा में प्रेस विज्ञप्ति में बोला गया कि इस विधानसभा में पेपर लीक पर कानून बनेगा, ये तो अच्छी है, हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर पहल कर भी दिया, बिहार सरकार की बारी है, उत्तराखंड राजस्थान सरकार भी इस पर काम कर रही है, लेकिन ये सब चीजें में क्या है ना कि जिस तरह से वो नहीं होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस आती है तो उसको लीक करने वाली चीजें भी एडवांस आने लगती है यहाँ पे, तो इस पे और ठोस करने की जरूरत है, जैसे बिहार पुलिस का ही देख लीजिए यहाँ पर तो काफी डिले हो गया उसके चीजों में यहाँ पर। सर पिछला बार जैसे मेंस का रिजल्ट आया, जब मेरिट देखे तो 110 115 जो विद्यार्थी अटेम्प्ट करके आए थे उन लोगों का रिजल्ट हुआ, सर 110 के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा मेंस की बात? मेंस सीजीएल वगैरह अब बीएसएससी सीजीएल, हाँ इतना ही तक था, जो जैसे आरक्षित कोटा में थे उनके थोड़ा सा कम हो गया। देखिए कट ऑफ एक समस्या, एक मतलब दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, अभी तो ये लोग का गनीमत है, गनीमत है ये चीज, नीट का देखिए 720 में 720 67 विद्यार्थी, हाँ अभी 67 तो धांधली था, अब तो उसपे वो भी खत्म ही है वहां पे, अभी उसपे भी सीबीआई जांच करेगी और ये सब चीज प्रोसेस होगा। हो रहा क्या है कि जब भी वैकेंसी डीले होगी तो क्या होगा ना कि बैकलॉग में स्टूडेंट आते जाएंगे, तो लॉग मतलब वो एक ब्लॉक बहुत बड़ा नंबर उन बच्चों का बढ़ जाएगा। अब वो जो बच्चे जितने पुराने होंगे उनको एक्सपीरियंस तजुर्बा और रणनीति बेहतर होगी, और यही काम कर देता है जब वो एक नए विद्यार्थियों को एक अनुभव वाले के साथ बैठा दिया जाता है, तो जो नए वाले हैं उनको कट ऑफ हाइट कट ऑफ उनके लिए एक समस्या बन जाती है, ये तो होता है सब में होता है। क्या सुझाव रहेगा विद्यार्थी के लिए?
सुझाव यही रहेगा कि भाई प्लानिंग व्लानिंग बहुत कम बनाओ, चुपचाप पढ़ाई करो चुपचाप, ना तो प्लानिंग बनाता है सब, टाइम टेबल बनाएगा तो ऐसे करेंगे चुपचाप, जब भी मन किया चाहे जिस कपड़े में है जिस पढ़ाई कर रहे हैं, देखते हैं ना कि टेबल कुर्सी लगाएगा और पानी बोतल रखेगा, आप पानी पिएगा इसे, आप फिर उठ के टॉयलेट जाएगा, फिर आएगा फिर, अरे ये सब क्या नौटंकी कर रहा है, पानी बोतल हैं तेन सब साइड रखो, एक के बार भर पेट ले लो। पढ़ाई करने के टाइम पे एकदम कोशिश करना चाहिए कि दो विद्यार्थी एक साथ पढ़े, शांति से तुम पढ़ो शांति से ही पढ़े, कंपटीशन होना चाहिए कि एक घंटा से पहले हिलना नहीं है।